कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए पूरे देश में लॉकडाउन है और इसी के चलते झुंझुनू में भाजपा नेताओं की ओर से जनता रसोई चलाई जा रही है ताकि इस रसोई में बना खाना हर जरूरतमंद तक पहुंच सके। और इसी को लेकर नवलगढ़ में भाजपा जिला महामंत्री योगेंद्र मिश्रा के संयोजन में खाना वितरित किया गया। योगेंद्र मिश्रा ने बताया कि पहले दिन 500 लोगों को खाना देने के उद्देश्य से जनता रसोई शुरू की गई और अब करीब 1250 लोगों का खाना दोनों समय तैयार होता है। इस खाने के ऑर्डर आपको बता दें कि फोन पर लिए जाते हैं जिसके बाद घर घर जाकर कार्यकर्ता खाना वितरित करते हैं। आपको बता दें कि लगातार सभी जनप्रतिनिधि अपनी अपनी जिम्मेदारियां निभा रहे हैं, लोगों की मदद कर रहे हैं, जरूरतमंदों तक उनके जरूरत की चीजें पहुंचा रहे हैं। और साथ ही नवलगढ़ में भी भाजपा की जनता रसोई देखी गई जिसमें करीब 1250 लोगों तक भोजन के पैकेट वितरित करवाए जाते हैं, फोन पर ऑर्डर लिए जाते हैं और उसके बाद कार्यकर्ता घर घर जाकर पैकेट वितरित करते हैं।